बड़ी खबर आ रही है हमारे पास इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर आ रही है हमारे पास जहां महुआ से, जहां असलों से लैस बदमाशों ने डकैती की कोशिश, पुलिस ने सक्रियता के चलते हुई नाकाम। महुआ असलों से लैस बदमाशों की लाखों की डकैती की कोशिश हुई नाकाम। बदमाशों व पुलिस के बीच हुई फायरिंग, आखिर समय एक बदमाश की ट्रक से हुई टक्कर। पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, मौके से 3 फरार। थाना प्रभारी व पुलिस बल के साथ सीओ सिटी ने मोर्चा संभाला। मौके पर पहुंचे कच्छा बनियान गिरोह के हैं सभी लुटेरे। कबरई थाना क्षेत्र लगभग 2:30 बजे की मेन रोड की मशहूर रत्नम ज्वेलर्स के शोरूम की घटना, महुआ ब्यूरो की संतोष कौशिक की खास खबर। इस तरह आपको मैं बताऊं, रात को थाना कबरई क्षेत्रांतर्गत कस्बा कबरई में एक सराफे की दुकान पे 8 बदमाश आए, उसको गार्ड ने देख करके सूचना दी। इंस्पेक्टर कबरई मिस्टर राजकुमार सिंह उसी समय गश्त से लौटे थे, अभी गाड़ी से उतरे ही थे तब तक वो सूचना मिली। वो अपने सहयोगियों के साथ तुरंत पैदल ही जो है दौड़ पड़े, और उन्होंने दौड़ जैसे वो पहुँचे पास पर, जैसे पहुँचे अपोजिट जो बदमाश थे उन लोगों ने जो है फायरिंग शुरू कर दी। इन्होंने भी फायरिंग की और 5 लोगों को, 2 को स्वयं और 3 को सहयोगियों के साथ जो है पकड़ लिया। 3 जो है मौके से भाग गए। ये कच्छा बनियान गिरोह के सदस्य हैं, शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं। इनसे कट्टा असलहा बरामद हुआ है और एक बड़ी वारदात हमारे कबरई पुलिस की मुस्तैदी से, नगर पुलिस और ज़िला पुलिस की मुस्तैदी से बच गया, नहीं तो एक बड़ी वारदात हो सकती थी। यह बहुत बड़ा गैंग है, आप जानते हैं कच्छा बनियान गैंग लोगों के साथ बहुत ही ब्रूटल व्यवहार करता है। जिस घर में जाता है पहले सर पे, पैर पे, जिस चीज़ रहता है, राड हो, लकड़ी का कोई असलहा हो, उससे जो है मारते हैं, और मारने के बाद जो है आदमी को मरा या अधमरा करके जो है ओवरपावर करते हैं। तो इस यह जो है बड़ी कामयाबी मिली है कबरई पुलिस को, नगर पुलिस को और जनपद पुलिस को। सर को शेलाम की घोषणा की गई, और इस पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से 10,000 नगद पुरस्कार की पुरस्कार देता हूँ। मान लिया जाए कि कच्चा बनियान गिरोह की दस्तक महुआ जनपद में हो गई है, अब निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जब आज रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो आए हैं तभी पकड़े गए हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये पहली बार आए और पहली बार ही पकड़ लिए गए हैं। तो ये हमारी पुलिस की मुस्तैदी है जिसकी वजह से ये पकड़ लिए गए हैं। फरार आरोपियों की पकड़ने के लिए क्या टीम बनाई? अब वो जो टीम है वो उनके, उनसे पूछताछ हो रही है, और पूछताछ होने के बाद उनके नाम पता चल गया है, उनको जो है पकड़ा जाएगा। निश्चित रूप से जो है जब घटना हुई तो भीड़ जो है इकट्ठी हुई और पब्लिक आई, पब्लिक का भी सहयोग था, तभी हम 5 को पकड़ पाए। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, तो जो पकड़े गए तो लोगों के पास कितने हथियार बरामद हुए? इनके पास से 1 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुआ है।